हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 14.1 को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर एक को हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। बोला गया, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप स्टूडेंट अपार्ट देयर द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन विच दे टू बी कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी। यानी एक सर्वे किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण की हमें सुरक्षा करनी चाहिए उस तरीके से। तो उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया है जिसके अंदर उन्होंने 20 घरों को चुना। फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट पर हाउस, ठीक है। तो उन्होंने ये चेक किया कि किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है कि 0 से 2, यानी जिसके घरों में 0 से 2 प्लांट थे, ऐसे घर एक था। 2 से 4 प्लांट वाले 3 घर 2 घर थे। 4 से 6 वाले एक घर था। 6 से 8 वाले 5, 8 से 10 वाले 6, 10 से 12 वाले 2, 12 से 14 वाले 3। अब बोला गया इनका मीन निकालना है। विच मैथड डिड यू यूज द फाइंडिंग द मीन एंड वाई, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मैथड ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, और क्यों होगा वो बताना हमें। तो बेसिकली फ्रेंड, मैथड होते 3। पहला होता है डायरेक्ट मैथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मैथड, और तीसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड। डायरेक्ट मेथड तब यूज़ करना है जब हमारी वैल्यू ज़्यादा शॉर्ट हो। सेकंड मेथड, इनडायरेक्ट मेथड तब यूज़ करना है जब हमारी वैल्यू थोड़ी बड़ी में चली जाए, ठीक है। और तीसरा मेथड डिपेंड करता है सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड और थर्ड मेथड यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ छोटा सा फ़र्क है। आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें निकालना है मीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो प्लांट हमें दे रखे हैं ये हमारे क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ हाउसेज ये हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी से पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स। एक्स होता है इन दोनों की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ा 2, 0 और 2 2, 2 में 2 का डिवाइड दिया 2, 4 और 2 6, 6 में 2 का डिवाइड दिया 3, 4 और 6 10, 10 में 2 का डिवाइड दिया 5। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है देखो ज़रा, 6 और 8 इनमें कितने का फ़र्क है 2 का, 8 से 10 में कितने का फ़र्क है 2 का, 10 में 12 में कितने का फ़र्क है 2 का, 12 से 14 में कितने का फ़र्क है 2 का, 2 का कर दो हाफ, यानी कितना हुआ 1, 6 में 1 जोड़ दिए 7, 8 में 1 जोड़ दिए 9, 10 में 1 जोड़ दिए 11, 12 में 1 जोड़ दिए 13। आंसर वही आएगा, या तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड दे लो, या सबका डिफरेंस चेक कर लो, उसका हाफ कर दो, उस हाफ को आगे वाली लाइन में ऐड कर दो, ठीक है। ये मेरा कौन आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखा जाए फ्रेंड, तो इनकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। देखो नाम से ही पता लग रहा है डायरेक्ट मेथड में कि हमें सारा काम डायरेक्ट करना है। हमें एफ को एक्स से गुणा कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई। देखो 2 वन जा 2, 3 टू जा 6, 5 वन जा 5, 7 फाइव जा 35, 6 नाइन जा 54, 11 टू जा 22, 13 थ्री जा 39। ये मेरा कौन आ गया एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है इस पूरी लाइन का सम। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 सिग्मा एफ एक्स। इस पूरे को हम सम कर लेंगे, इनको जोड़ने पे आएगा 162, ठीक है फ्रेंड। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें मीन, ये होता है मीन का सिंबल, एक्स लगा के ऊपर बार लगा दो। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 162, सिग्मा एफ कितना है 20। आ गया, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 8 16, 2 1 2 10, 10 है, डेसिमल इधर चला जाएगा 8.1। यानी इसका जो मीन है, मीन वो कितना है 8.1, ठीक है। ये हमें निकालना था। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया। मैं क्या लिखूँगा, वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड,
जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया था कि डायरेक्ट मेथडों का भी यूज़ करना है जब हमारी एफ और एक्स इन दोनों की वैल्यू छोटी हो, तब यूज़ करना है। ठीक है, तो रीज़न बताएंगे हम, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ आर स्मॉल, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, छोटी है, इसीलिए मैंने इस मेथड को यूज़ किया। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाया, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन की वैल्यू कैसी है। जैसी एफ और एक्स की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड को डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर फैक्ट्री, 50 वर्कर की फैक्ट्री है, ठीक है, जिनका डेली वेजेस दे रखा है। सो 100 से 120 वेजेस वाले 12 वर्कर है, 120 से 140 वाले 14, 140 से 160 वाले 8 वर्कर हैं, 160 से 180 वाले 6 वर्कर हैं, 180 से 200 कमाने वाले 10 वर्कर हैं। बोला गया फाइंड द मेन, मेन का दूसरा नाम एवरेज भी होता है, ठीक है, वेजेस वर्कर ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड, जो आपको सुटेबल मेथड लगे उसका यूज़ करके इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर दूँ। ठीक है, तो फ्रेंड इसके जो दो कॉलम क्वेश्चन में गिवन थे, डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर, इनको मैंने क्वेश्चन में नोट कर दिया है। ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्कर होते हैं ये मेरा एफ होता है, एफ यानी कि फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमें निकालना होता है एक्स, एक्स क्या होता है हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, दोनों को जोड़ो, जोड़ के कितना है 220, 2 का डिवाइड कर दो 110, दोनों को जोड़ा कितना है 260, 260 का आधा 130। और इससे आसान तरीका मैंने क्या बताया था, इनके बीच का गैप चेक करो, कितने का गैप है 20 का, कितने गैप है 20 का, 20 का, 20 का, 20 का, सब में 20 का गैप चल रहा है, 20 का हाफ कर दो कितना हुआ 10, 10 को प्लस किया इसके अंदर 130, 10 को प्लस किया 150, 10 को प्लस किया 170, 10 को प्लस किया 190, ये हमारा कौन आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब कंपेयर करो, पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स और एफ़ की वैल्यू बहुत छोटी थी, मल्टीप्लाई करना आसान था, करना चाहो इस तरीके से हो तो ये भी सकता है, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा इनडायरेक्ट मेथड को। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है, हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, डी। ठीक है, डी कौन होगा, डी होगा एक्स माइनस ए। अब ए कौन है, ए वो वैल्यू होगी जो मैंने इसके बीच में से कोई ना कोई नंबर एज्यूम किया होगा। आप एक्स में से कोई सा भी एक नंबर एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी, कोशिश करना कि बीच वाला नंबर एज्यूम किया जाए। तो मैंने 150 को ए एज्यूम कर दिया, कितना एज्यूम कर लिया ए, तो 110 में से माइनस किया 150, 130 में से 150, 150 में से 150, 170 में से 150, 190 में से 150। ठीक है, 150 में से 110 गया, कितना है बचा, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20 एंड 40। ठीक है, ये मेरा आ गई सारी वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, कैसे करा, इसको ए मान ले, बीच के नंबर को एज्यूम कर लेना और एक्स में से माइनस करते चले जाओ। अब एफ को डी से गुणा कर देंगे, एक उंगली एफ पे रखो, दूसरी रखो डी पे। अब इसे मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 12 चौके 48, 14 दूनी 28, 280, 8 को 0 से किया 0, 6 टू ज़ा 12, 120 एंड 400। ठीक है, दोनों माइनस की डिजिट है, दोनों को ऐड कर देंगे 0, 16 हासिल 1, 7, माइनस का 760, इनको ऐड किया कितना है 520, ये प्लस के और ये माइनस के हैं। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सिग्मा एफ डी, अब 760 में से 520 जाएंगे कितना बचेगा 42, दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, माइनस का आ जाएगा 240। ठीक है फ्रेंड, अब 240 आने के बाद हमें चाहिए सिग्मा एफ का जोड़। ठीक,
अब सिग्मा एफ का जोड़ कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसमें जो मेन निकालने का फॉर्मेट होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए हमने कितना एज्यूम किया था 150, सिग्मा एफ डी कितना निकला माइनस का 240, सिग्मा एफ 50 निकला हमारा, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस। अब 24 में डिवाइड देंगे हम 5 का, ठीक है। तो डिवाइड देने पे आया ये 4.8। अब माइनस कर देंगे 150 में से, तो माइनस करें तो कितना आया 145.20। यानी इनकी एवरेज मीन होगा वो कितना होगा 145.20। एवरेज मीन 145.20 रुपीज़। यानी हर एक वर्कर का नॉर्मली एवरेजली अगर सैलरी निकालेंगे, वेजेस निकालेंगे, कितना आएगा 145.20। और फ्रेंड इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।